अब भाभी ये तो बहुत खूबसूरत है। वैसे भाभी आप भैया को रोके काहे नहीं है? अभी शादी का दूसरा दिन है और नौकरी पे चले गए हैं। ये भी बहुत जरूरी काम था इसलिए ना ही रोके। बहुत शर्मिंदा हो रहे थे बेचारे, मगर हम बोले कि रोजी है तो रोजा है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत समझदार हैं। बेबी उनका नौकरी बहुत अच्छा है, तरक्की होने वाला है। अगर दिल लगा के मेहनत करेंगे ना तो बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगा। और फिर आजकल के जमाने में ये नौकरी जो है गनीमत है, कहाँ मिलता है किसी को नौकरी। और फिर बाबू का नौकरी तो बहुत अच्छा है। ये तो आप बिल्कुल सही बोली हैं। वैसे भाभी आप लोग हनीमून वहां पे कहाँ जा रहे हैं? हनीमून वहां पगला गई है का? ये सब अमीर लोगों का चौचला होवे है। हम तो क्लिफ्टन के झूले में बैठ जाएं या समंदर वहां पे जाकर टहल लें तो हमारा हनीमून हो जाता है। इसका मतलब आप लोग हनीमून वहां पे नहीं जा रहे? देखो बेबी, हमारा सबसे पहला काम ई घर में अपनी जगह बनाना है, खाला को खुश करना है, ताकि खाला को ई ना लगे कि बाबू का जो पसंद है वो गलत है। फिर जब सब खुश होंगे इस घर में, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होगा, तो हमारा हनीमून तो हो गया ना। वाह भाभी आप तो बहुत समझदार हैं। देख लिया तुमने, अच्छे हैं ने? आप उनको नहीं जानती हैं पप्पो? वो अम्मा को भी ऐसा ही झूठ बोलता था। वो का जान गए हैं बाबू, उसके मिजाज को देख के बात की है। तुम फिकर काहे को करते हैं, उसको सदार के रहेंगे। अब ये रिश्ता ऐसा है कि तोड़ भी नहीं सकते और ढील भी नहीं दे सकते। अब तुम बोलो, अल्लाह ना करे वो इस रिश्ते को तोड़ने को बोलेगा तो तुम राजी होगी, खुश होगी इस बात पे? हमारी अम्मा मरहूमा वो भी यही कहती थी कि या तो उनको छोड़ दो या तो बर्दाश्त करो। यही लिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं पप्पो। छोड़ के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे हम? तलाक का दाग लग जाएगा हम पर। तुम ठीक कह रहे बाबू, औरत से ही सारा इल्जाम आता है। अल्लाह उसको अकल दे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की, थोड़ा सा बर्दाश्त करने। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। जैसे हमारी मुनिया का घर आबाद किया है ना, अल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद करे। देखो आपका यहाँ आने से हमको बहुत हिम्मत मिला है, बस आप हमको ऐसे ही दुआ दिया कीजिए। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बाबा। अरे वाह वाह, का गर्मा गर्म जलेबी है। आ करो आ करो आ करो। हा हा हा, पप्पो को बहुत पसंद है ना जलेबी, उनके लिए लाए। खाने के बाद निकाल लेना ये लो। ये बताइए कि पैसा कहाँ से आया आपके पास? का बात कर रही हूँ, 150 रुपया।